Hello dear students, today I am going to tell you about chapter 4 Landscape of Saul of class 11th, and the author of this chapter is Nathalie Travers Roy, right? So landscape of Saul kya hota beta? Landscape means aise koi scenery, aisa koi art, piece of art jo hamare atma ko chhu jaye, jo hamare atma ko bahut pasand aaye, theek hai na? So Saul means atma. सो लैंडस्केप ऑफ सॉल बाय नेथाली ट्रावर रॉय. चलिए सबसे पहली बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग के बारे में. इस चैप्टर में इस बात में भी फोकस किया हुआ है चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस है. हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ, और वो कहानी है एक फेमस पेंटर वू डाउजी के बारे में. सो वू डाउजी एक फेमस पेंटर थे 8th century के, और उन्होंने एक पेंटिंग बनाई राजा टैंग एम्परर जुआंगजोंग के लिए. सो टैंग एम्परर जुआंगजोंग ने ये जो पेंटिंग है अपने महल की दीवार को सजाने के लिए बनाई. ये जो राजा है इसने अपने महल की दीवार को सजाने के लिए एक पेंटिंग बनाई वू डाउजी पेंटर को कह के. बहुत हैरानी की बात क्या है बेटा कि उस पेंटिंग को केवल राजा ही देख सकता था, वो एक स्क्रीन के पीछे छुपी हुई थी. अब बेटा ये जो पेंटिंग थी बहुत सुंदर थी, इसमें जंगल, पर्वत, झरने, बादल और पर्वतीय रास्ते से आते जाते लोगों के बहुत सुंदर चित्रण था, बहुत सुंदर पिक्चर था. अब इस पेंटिंग में केव थी, गुफा थी, और वू डाउजी ने राजा को कहा कि राजा जी ये जो केव है अगर आप इसके अंदर जाते हो तो और भी ज़्यादा आपको कला देखने को मिलेगा, कला का और भी बेहतरीन नमूना मिलेगा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप पीछे पीछे आओ. और ऐसे कहने के बाद वू डाउजी ने क्लैपिंग किया, और जैसे उसने क्लैपिंग किया केव गुफा का दरवाज़ा खुल गया, और जो वो दाऊजी है वो उसके अंदर गया. पर जैसे ही वो दाऊजी गुफा के अंदर गया गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया, और देखते ही देखते बच्चों दीवार से, राजा के महल में जो दीवार थी वहाँ से पेंटिंग गायब, और वो दाऊजी का भी नामो निशान दिखा नहीं. उसके बाद किसी ने भी कभी भी वो दाऊजी को देखा नहीं. सो ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे हमारा ये चैप्टर की शुरुआत हुई है. सो आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि वो दाऊजी कौन थे, फेमस पेंटर थे, और किस शताब्दी के थे, 8th century के थे. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये जो चाइनीज़ कल्चर है, चाइनीज़ सभ्यता संस्कृति है, यहाँ पर दो बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी. ये दोनों किताबों के नाम हैं, बुक्स के नाम हैं, कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी. और ये जो बुक्स हैं बेटा ये इस प्रकार की स्टोरीज से भरी हुई हैं. अब इन स्टोरीज़ का क्या फ़ायदा होता है, इन स्टोरीज़ के ज़रिए जो मास्टर होते हैं, जो ये आर्ट्स के मास्टर होते हैं, ड्राॅइंग के मास्टर होते हैं, लैंडस्केप के मास्टर होते हैं, उन्हें अपने डिसिपल्स को, अपने शिष्यों को एक सही दिशा में ले जाने के लिए हेल्प मिलती है, एक दिशा मिलती है, और वो अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखा पाते हैं, अपने शिष्यों को एक सही रास्ता दिखा पाते हैं इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से. एक और स्टोरी या कहानी यहाँ पर बताई है बेटा कि एक पेंटर था, उसने एक ड्रैगन बनाया, और उसने उस ड्रैगन की आँख नहीं बनाई. उसको लगा कि अगर उस ड्रैगन की आँख बनाएगा तो वो ड्रैगन उड़ के भाग जाएगा, उसको ये डर था, इसीलिए उसने उस ड्रैगन की आँख नहीं बनाई. एक थर्ड स्टोरी जो हमारे इस चैप्टर में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेटा क्विंटिन मिस्टीज के बारे में. क्विंटिन मिस्टीज जो है उनको प्यार हुआ एक पेंटर की डॉटर से, एक कलाकार की बेटी से उसको प्यार हुआ. लेकिन जो क्विंटिन मिस्टीज थे ये तो एक ब्लैक स्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ होता है लुहार, ये एक लुहार थे, और इनको प्यार हो गया एक पेंटर की डॉटर से. अब आप बताइए अगर कोई पेंटर है तो वो अपनी बेटी की शादी एक लुहार से कैसे करेगा. तो पेंटर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये जो लुहार है मैं इससे अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूँगा. तो क्विंटिन मैसी ने क्या किया, चुपके से इस पेंटर के आर्ट रूम में गया, और जो ये ड्राॅइंग कर रहा था, जो ये लैंडस्केप बना रहा था, जो ये सीनरी बना रहा था, लेटेस्ट पैनल, मतलब उसने उस टाइम जो ड्राइंग बनाई या जो सीनरी वो बना रहा था उसमें चुपके से जाके उसने एक मक्खी बना दी.
उसके बाद जब पेंटर वापस आया तो उस पेंटर ने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, और थोड़ी देर बाद वो बहुत हैरान हो गया कि वो मक्खी हकीकत की नहीं थी, वो मक्खी तो किसी ने पैनल में बनाई थी। उसको बाद में पता चला कि ये क्वेंटिन मेसिस ने बनाया है, और उसने तुरंत क्वेंटिन मेसिस को अपना अप्रेंटिस बनाया, ट्रेनी बनाया, और बाद में अपनी बेटी की शादी भी उससे करी। और बेटा यही क्वेंटिन मेसिस इस उम्र का, इस काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार बना, एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट बना। अब बेटा मैं आप लोगों को बताती हूँ डिफरेंस क्या है चाइनीज़ पेंटिंग में और यूरोपियन पेंटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है और आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है। तो चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में आपको ऐसा नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है, ये तो आप लोगों को मैंने हिंट दिया है, आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। लेकिन आप अगर ये चार पैराग्राफ बनाएंगे तो आप ईजिली लिख पाएंगे, ठीक है बेटा। सो पहला डिफरेंस क्या है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है। जैसे आपने आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, तो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ ऐसी होती है जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसको महसूस करते हैं। सो जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसको हम फील करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। लेकिन जो यूरोपियन पेंटिंग है ये है फिगुरेटिव रियलिस्टिक, मतलब जो रियलिटी है उससे मिलता जुलता ये नमूना तैयार कर लेते हैं, उस रियलिटी से मिलती जुलती इनकी पेंटिंग होती है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, जो चाइनीज़ पेंटिंग है ये अंदर, ये जो हमारी अंतर आत्मा को छू जाती है, ये हमारी इनर लाइफ को छू जाती है, ये हमारे मन को भा जाती है। लेकिन ये जो यूरोपियन पेंटिंग है ये इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है, मतलब ये हमें भ्रम में डाल देती है। इल्यूजन क्या होता है बेटा, भ्रम। सो ये इस प्रकार से पेंटर आर्टिस्ट बनाते हैं सीनरी को, पिक्चर को, कि ये हमें इतना भ्रम में डाल देती है। इल्यूजनिस्टिक पेंटिंग है, ये हमें भ्रम में डाल देती है। चाइनीज़ पेंटिंग में जो व्यूअर्स होते हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें चाहिए, और यूरोपियन पेंटिंग में जो पेंटर है वो चाहता है कि हम उसकी आंखों से पेंटिंग को देखें। चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि हम पेंटिंग को इंजॉय करें अपने मस्तिष्क की मदद से, और ये जो पेंटिंग है यूरोपियन, ये चाहते हैं कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग का मज़ा लें। चाइनीज़ पेंटिंग जो है ये पेंटिंग है, ये लैंडस्केप ऑफ सोल है, ये स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस के बारे में है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें सेंसुई के बारे में बताया है। सेंसुई का लिटरली मतलब है माउंटेन वाटर, और ये रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप को। यांग क्या होता है बेटा, यांग होता है एक्टिव मैस्कुलिन पार्ट है ये, और ये एक्टिव है, और ये खड़ा होता है, रीचिंग वर्टिकली अपवर्ड खड़ा होता है, ये स्टेबल है, ये कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाता, अपने जगह में स्थिर है, ये गर्म होता है और ये ड्राई होता है सन में। अब हम पढ़ेंगे यिन क्या है। यिन होता है फेमिनिन रिसेप्टिव एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यिन फेमिनिन है, और ये है क्या, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रही है, ये तरल है, फ्लूइड है, तरल है, और ये मॉइस्ट है, इसमें नमी है, और ये कूल है, यिन। सो यांग हमारा माउंटेन एंड यिन हमारा वाटर है अकॉर्डिंग टू सेंसुई। हम पढ़ते हैं बेटे डाइज्म क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से यिन और यांग का आपस में इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के अलावा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है मिडिल वॉइड। मिडिल वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यिन और यान का इंट्रैक्शन होता है, और मिडिल वॉइड का कंपैरिजन प्राणायाम से किया हुआ है। हम जब सांस अंदर लेते हैं फिर हम रिटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, और फिर हम सांस को छोड़ देते हैं। तो बीच में जब हम रुकते हैं, सांस को छोड़ते नहीं है, बीच में जो रुकते हैं वो जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है उसको हम कहते हैं वॉइड, और वहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं। सो ये जो थर्ड मिडिल वॉइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रैक्शन यिन और यान का यहीं पर होता है। अब द आई ऑफ लैंडस्केप क्या है। इसके अनुसार जो मैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। जो मैन है बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और जो मैन है मतलब ह्यूमन बीइंग है, ये कम्युनिकेशन का जरिया है हेवन और अर्थ के बीच में। और फ्रैंकोइस चैंग के हिसाब से मैन इज़ द आई ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप की आई कौन है, ह्यूमन बीइंग, मैन। नेक्स्ट बेटा, इस चैप्टर में हमें आर्ट ब्रूट के बारे में बता रखा है। सो आर्ट ब्रूट क्या होता है, आर्ट ब्रूट मतलब आर्ट ऑफ अनट्रेंड पीपल। सो अनट्रेंड पीपल मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आर्ट की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली और फिर भी आर्ट के क्षेत्र में नाम कमाया और बहुत अच्छा काम किया। इसकी शुरुआत की थी जीन डेफ्यूट ने 1940 में।
सो इन लोगों को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती और इन लोगों की आर्ट को हम आर्ट ब्रूट कहते हैं। सो बेटा इस चैप्टर में अब हम आर्ट ब्रूट का एक बहुत आइडियल एग्जांपल पढ़ेंगे नेकचंद के बारे में, कि नेकचंद कौन थे और उन्होंने आर्ट ब्रूट का एग्जांपल कैसे दिया हमें। सो जैसे मैंने आपको बताया, आर्ट ब्रूट एक ऐसा आर्ट है जिसमें अनट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन पढ़ाई उन्होंने नहीं की होती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इसी प्रकार भारत के नेकचंद ने भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। सो देखिए नेकचंद ने कैसे अपना नाम कमाया इस क्षेत्र में। नेकचंद को कहा जाता है एन अनट्यूटर्ड जीनियस क्रिएटेड अ पैराडाइज। सो ये इनका पैराडाइज क्या है बेटा, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, ये नेकचंद का पैराडाइज है। और इसको लेके इनका बहुत नाम हुआ। यूके की एक मैगज़ीन है, उसका नाम है रॉ विज़न। सो यूके की एक मैगज़ीन जिसका नाम रॉ विज़न है, उसने अपने 50th इशू में क्या किया, इनका नेकचंद उसके रॉक गार्डन में जो वुमेन बाय वाटरफॉल जो हैं उनको अपने इशू कवर में पब्लिश किया अपनी एनिवर्सरी में। और जो रॉक गार्डन है ये एक आइडियल एग्जांपल है आर्ट ब्रूट का। आर्ट ब्रूट मैंने आपको बताया रॉ आर्ट होता है, और रॉ आर्ट मतलब जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनकी मदद से हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रॉ आर्ट। सो रॉक गार्डन बनाने के बाद नेकचंद जी को क्या क्या प्रसिद्धि मिली, क्या क्या इनाम मिले, थोड़ा नज़र उसके ऊपर डालते हैं। स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने उनको मान सम्मान दिया। 5 मंथ्स के लिए, 5 महीनों के लिए इनका एक इंटरैक्टिव शो हुआ जिसका नाम था रैल्म ऑफ नेकचंद, जो कि स्विट्ज़रलैंड के म्यूजियम्स में दिखाया गया। उसके बाद लेकिन नेकचंद ने क्या कहा कि उनके अनुसार उनका इनाम क्या है, उनके अनुसार उनका अवार्ड क्या है। नेकचंद ने कहा मेरा इनाम तो ये है, जब मैं लोगों को रॉक गार्डन में घूमते हुए देखता हूँ और मेरी क्रिएशन को इंजॉय करते हुए देखता हूँ, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है और यही मेरा सबसे बड़ा मुझे प्रसन्नता देती है। सो बेटा नेकचंद जी ने कितनी बड़ी बात की है कि उनका जो इनाम है वो कोई शील्ड नहीं है, वो कोई पद नहीं है, उनको जो खुशी मिलती है लोगों को देख के रॉक गार्डन में एंजॉय करते हुए, वही उनका सच्चा इनाम है। ये बात हमें नेकचंद ने कही थी। सो आई होप बेटा ये चैप्टर लैंडस्केप ऑफ सॉल आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी शॉर्ट मेथड में ज़्यादा समझने को मिले और इजी समझने को मिले। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।